हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है सेकंड पार्ट, जो हमने मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट कुछ टाइम पहले किया था और अब हम देख रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। सॉरी फ्रेंड्स, इमीडिएटली नहीं कर पाए थे क्योंकि इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो मेक श्योर करना होता है कि सबके जितने कर सकें वो करें। पर डेफिनेटली इस वीडियो को बहुत टाइम से हमारा मन था कि पूरा देखें, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था बहुत ही सुंदर पार्ट था और जिस तरह से बोला था, पर सच बताऊं हिंदी बहुत टफ है। तो आज मैं ये पढ़ने की जगह हस्बैंड को कहूंगी कि टाइटल को पढ़े वो। अब मैं भी थोड़ा सा ही पढ़ सकता हूँ। और वह कर्ण की दानवीरता, लास्ट पार्ट, रामधारी सिंह दिनकर। चतुर सर्ग भी तो है। हाँ, वो जो है हमारे बस के बात है। वो जो चतुर्थ वो चतुर्थ है, चतुर्थ सर्ग और मतलब। पर मजे की बात है, अगर उनको बोलेंगे ना, मैं ये लिख दूंगी आपको टाइटल में, जो आगे है ना वो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा और समझ नहीं आ रहा वो वर्ड है क्या। तो क्योंकि हिंदी में भी लिखा हुआ है और ये मैंने कभी सुना भी नहीं है। रश्मि रथी, मेरे ख्याल से रश्मि रथी है। तो बताना कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो और ये हिंदी इतनी महान है कि उससे हमारा बैंड बजता है, तो अभी हम पूरी जान लगाएंगे इसको समझने में। और हमें नहीं, याद आएगी, बहुत होता है अच्छा, अपने अग्रवाल जी की याद आएगी जिन्होंने चौंक मारी थी फिर भी हम सुधरे नहीं। अब मुझे अपने त्रिवेदी सर की याद आएगी। वो भी चौक मारते थे, पर वो लड़कों पे मारते थे, लड़कियों को नहीं बोलते थे, लड़कियों को बड़े प्यार से समझाते और थे। हमारे जो थे वो डॉक्टर अग्रवाल थे, उनकी पीएचडी थी हिंदी में। अच्छा, और मेरे जो थे वो एक्चुअली में पंडित थे, मतलब प्रॉपर पंडित जो थे ना उस टाइप के थे। और वो हमें हिंदी भी वही पढ़ाते थे और संस्कृत के भी वो टीचर थे हमारे स्कूल के। और संस्कृत मैंने ली हुई थी अपने 9th-10th में, तो हिंदी की जगह। तो फ्रेंड्स ये सोच लो कि मेरी हिंदी कितनी गंदी होगी, क्योंकि मैंने हिंदी छोड़ के संस्कृत ली थी। तो इसलिए मैं मतलब 8th में मेरी हिंदी खत्म हो गई थी, उसकी जगह मैंने संस्कृत ली थी 9th और 10th में। और 11th-12th में तो कुछ था ही नहीं, ना हिंदी थी ना संस्कृत थी। तो मैंने तो इसका मतलब 8th grade के बाद ही, 8th class के बाद कभी हिंदी पढ़ी भी नहीं है। और ये जो, और मेरा रीजन क्यों मैंने हिंदी नहीं ली थी वॉज क्योंकि जब वो इस टाइप के सर पढ़ाते थे कुछ समझ नहीं आता था, इतना मुश्किल लगता था और लगता था कि अगर टेस्ट में आ गया तो फेल हो जाएंगे। और संस्कृत में ये पता था कि अगर आप रट लोगे तो आपका पूरे 100 out of 100 आ सकते हो। मेरे 90s में आए थे बोर्ड में, बोर्ड जो मेरे ख्याल से 10th का बोर्ड था उसमें आए थे। और हमारे सर भी बहुत अच्छे थे, वो पढ़ाते बड़े मजेदार वे से थे, बहुत हिंदी और संस्कृत। पर ये फ्रेंड्स काफी मुश्किल है। लास्ट टाइम भी मुझे बहुत मतलब कई चीजें समझ नहीं आ रही थी, पर बाकियों से रिलेट करके समझ आई थी। पर बहुत सुंदर लिखा होता है सच्ची में, अगर ये आपको समझ आए पूरा कंप्लीट तो बहुत ही अच्छा लगेगा फॉर श्योर। तो यस फ्रेंड्स, और टाइम वेस्ट करने की जगह हम जल्दी से ये वीडियो देखते हैं। और यस, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको भी हिंदी टफ लगे तो कर देना लाइक इस वीडियो को और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनका भी ये हिंदी सुन के उनका भी मुंह ऐसे हो जाए और कहे बाप रे इतनी टफ हिंदी है, इतनी शुद्ध हिंदी है। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी से देखते हैं ये वीडियो। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मत जाही, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नैन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भर में आया हूं, और नहीं निप को अपना सेवक करने आया। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल, विद्युत छो गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर उनको। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरुपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप को नहीं प्रगति। धन्य हमारा स्वयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज
सच ही धर्म को पता था। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्रही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्न था सुरुपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुष्य क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या देगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न होगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीत यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शर्म पर चह आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता ना है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी भी हिरण में, कर्ण विजय की आश ताप कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रखित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हारता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्त की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियत भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म बार गंगा का पी न सका मैं, कि ये सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृत का। देवो पमगुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर भी कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्याद उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियत भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथम में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध से मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाओ धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिक पान लगाओ। देवराज छल छद स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा,
नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जगधिकारेगा, जो समाज के विषम बहिर में चारों ओर चलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा नहीं सीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देखना तो होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे, कर्ण धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरना, चीना जिस अपतिम तेज से उसी शान से मरना। मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपत की, कनक रचित श्रेणी अनुपम निज सुध की उन्नत की, हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है, मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्णाहुत के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं, देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा, अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया, एक विनय है और आप जब लौटे अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे अर्जुन इस रण में हारा, यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिए इंद्र के कर में, धर दिए इंद्र के कर में। चकित भीत चह चह उठे कुंजों में विहग बिचारे, दिशा सन्न रह गई देखी है दृश्य भीत के मारे, सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में, अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुख मंडल पड़ गया ग्लानि से काला, क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से, पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है, अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के माह तेज सम्मुख जलने आए थे, मगर विशिख जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में, झुका शीश आखिर वे बोले अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं, पुत्र सत्य तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ, देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर, क्या कह करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते, दे पावन पद धूलिकरण दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भवर में मति है, नहीं जानता था कि छल इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा, मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा, तेरे माह तेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ, आह खली थी कभी न मुझको यो लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्या है मुझसे आज छांह भी तेरी, तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ, घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा, हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान बूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को, वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे अब क्या मुख दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा, वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा, किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है, देख रहा तो मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा, त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है,
खड़े देखते जगन नियता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में, दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे, मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इटलाती है, मस्तक सूंघ स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है, इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है, तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी, तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है, देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जागकर पाप भयानक तेरा, तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता उतना ही मैं और अधिक बरबर समान लगता हूँ, अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दूरदर्श तेज से त्राण मुझे पाने दो, मगर विदा लेने से पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर मर लो, कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो, देवराज बोले कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा है जब इतना ऊपर उसे भी जैसे। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा, तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है, ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है, एक बार ही मगर काम इससे तू ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा, अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो, दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं, दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को, गया कर्ण निज घर को। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर था, मतलब पहले तो मुझे लग रहा था टफ होगा, समझ नहीं आएगा, पर समझ आ रहा था, और इतना सुंदर बोला, मैं तो मुझे लग रहा है मुझे पहले देखना चाहिए था, कैसे मिस कर दिया इसका पार्ट, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट से ज्यादा सुंदर था, ज्यादा दिल को छूने वाला था, और जो बोल रहे थे इसको बहुत ही सुंदर, और उनकी उनकी आवाज में भी रोना आ रहा था, और उसको देख के और वर्डिंग सुन के खुद की भी आंखों में आंसू आ रहे थे कि देखो कितना महान थे करण, और पता होने के बावजूद उन्होंने अपना बिना हिचकिचाए दे दिया, जो मांगा दे दिया, दान तभी तो कहते हैं दानवीर करण, तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है हम लोगों को ये पढ़ना चाहिए। मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि जब मेरी नानी पढ़ती थी तब हमें समझ नहीं आता था और हम उनसे पूछते थे तो वो हमें एक्सप्लेन करती थी ऐसे कि नानी पढ़ के, तो अब उनका याद आ रहा है कि वो ऐसे श्लोक पढ़ती थी और ऐसे हमें फिर समझाती थी, तो बहुत ही सुंदर वीडियो था फ्रेंड्स, कमाल का, बहुत ही बढ़िया वीडियो था, और इसमें देखिए कि ये सही बात है कि अमेजिंगली सब समझ आ रहा था, तो हमें सब समझ आ रहा था, मतलब हमारे टीचरों ने अच्छा काम किया हमें, हमारे डॉक्टर अग्रवाल जी ने मार मार के इतना मतलब अकल दे दी थी, हिंदी समझ आ रही थी, और इसमें मजे की बात ये थी कि कर्ण कहते हैं कि हो सकता है मैंने अपने प्रीवियस जन्मों में कुछ बुरा किया हो, कि अब जो है मेरा ये हाल हो रहा है, मगर अगर मैंने बुरा किया होता तो कवच कुंडल मुझे मिलते ही क्यों, तो पहले तो कवच कुंडल मिले इसका मतलब मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, मगर उसके बाद अब चले गए, तो वो इसी कंफ्यूजन में थे कि ऐसी क्या बात है कि कवच कुंडल मिले तो अच्छा काम किया मगर अब जा रहे हैं तो बुरा काम किया, तो किया क्या था मैंने पिछले अपने जन्मों में, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में हर इंसान को जो इतनी चीजें मिल रही हैं मुझे जो है सिर्फ बुरा ही बुरा क्यों मिलता है, एक के बाद एक डिफिकल्टीज ही क्यों मिलती हैं, मुझे दुख है, और फिर जो है वो ये बोलते हैं कि आप इंद्र हो, देवता हो,
आपको शोभा नहीं देता कि आपने मुझसे क्या मांगा, मगर मैं तो दूंगा ही, मैं अमर हो जाऊंगा ये देके, मैं अच्छा काम करके कभी रुक नहीं सकता। तो आपको देने से ही मैंने जो है मतलब इतना अच्छा काम कर लिया कि मैं अमर हो जाऊंगा। और फिर इंद्र को शर्म आती है, कहते हैं मैं तो देव हूं, और देव होने के बावजूद मैं एक ह्यूमन बीइंग के पास आया हूं, इंसान के पास, उससे मांग रहा हूं और वो मुझे दे भी रहा है। तो इंद्र अब को बुरा लग रहा है कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैं तो देव हूं, देव होने के बावजूद मैंने क्या मांग लिया और दे भी दिया, मतलब मेरे को तो बिल्कुल ही मतलब गड़बड़ कर दी। इसीलिए मेरे ख्याल से इंद्र बाद में कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक वेपन देता हूं जो सिंगल यूज वेपन है, एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद वापस मेरे पास आ जाएगा, मगर वो ऐसा वेपन है जो काल को भी खा जाए, मतलब इतना पावरफुल है, ध्यान से चलाना उसको। तो इंद्र देते हैं, मगर इंद्र भी कहते हैं कि उनको बहुत शर्मिंदगी होती है कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैं जो देवता होने के बावजूद मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, अपनी शर्मिंदगी के लिए मैं तुम्हें कुछ देता हूं। और कर्ण बोल रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि जो मेरे पास था वो सब मैंने दे दिया, मतलब किसी तरीके से मैं आया किसी चीज के साथ नहीं था, अब सब मैंने रिटर्न कर दिया, कवच कुंडन मिले थे वो भी रिटर्न कर दिया, मैं बिल्कुल सब मैंने दे दिया और मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। और कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि इस हालत में अब तुम क्या चाहते हो कि अर्जुन जीत जाए, तुमने मेरी हर चीज ले ली, अब मैं क्या फाइट करूंगा, क्या किसी को हराऊंगा। तुम इसीलिए आए थे अर्जुन को जिताने के लिए, तुम आए थे लेने के लिए, तो वो ये कह रहे थे देखो अब तुमने क्या किया है, तुमने मेरे से ये भी चीज ले ली जिससे मैं हरा सकता था अर्जुन को, मैं नहीं हरा पाऊंगा, मगर मैं दानवीर हूं और मैं दान दूंगा, मैंने इसका दान दिया है और मुझे खुशी हो रही है कि मैं डगमगाया नहीं। और उधर इंद्र को देखिए जो देवता है उनको बुरा लग रहा है कि मैंने गलत काम कर दिया, और इंद्र भी कहते हैं मैंने गलत काम कर दिया है। और उस वक्त इंद्र को भी लगता है कि मैं कर्ण से छोटा हो गया हूं क्योंकि मैंने मांगा और मुझे दिया, तो अब और वो भी मतलब भेष बदल के, हाँ भेष बदल के आए। तो कर्ण ने भी कहा कि चलो मेरी गलती होगी, सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको, मगर अब मैं पहचान गया हूं कि आप क्यों क्या मांगने आए थे। और मजे की बात यह है कि उस वक्त जो है इंद्र को भी लगा कि मैं इस इंसान से भी छोटा हो गया हूं जो मैंने इसे मांगा, मगर उन्होंने बोला कि मुझे बुरा लग रहा है इसलिए मैं तुम्हें अस्त्र दूंगा, तुम ले लो। और कर्ण ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है, मुझे दो जो देना था मैं दे रहा हूं, मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि जिंदगी में मुझे हमेशा तकलीफें क्यों मिली हैं, हमेशा समस्याएं क्यों मिली है, ये मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, मगर मुझे खुशी है कि मैं दे रहा हूं। तो अच्छी बात यह है कि दिखा रहे हैं कर्ण बड़े दानवीर थे और डेफिनेटली इस कर्म करने के बाद वो डेफिनेटली अमर हो गए हैं, इतना अच्छा काम किया कि गारंटेड है कि वह। तो मेरे ख्याल से भगवान जो है हर एक को एक रोल प्ले करने को दे रहा है। हो सकता है कर्ण का टेस्ट था लास्ट कि अब मैं तुम्हें तुम्हें कवच कंडल दूंगा, उसके बाद तुमसे मांगूंगा, फिर मैं देखता हूं तुम देते नहीं देते, और देने के बाद कर्ण भी अमर हो गए। तो भगवान यहां पर जो लीला खेल रहे हैं वो देख रहे हैं सब चीजों, कह रहे हैं अरे वाह कि कर्ण तुम्हें दिया था, तुमने देके मतलब तुम डेफिनेटली 100% तुम तो अमर हो गए हो, चाहे तुम जो भी। और कर्ण ने भी क्या, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे लड़ता हूं वॉर में जाके, मैं कैसे लड़ता हूं क्या मुझे कोई फर्क नहीं, मैंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे पता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था कि कर्ण को खुद ये रियलाइज हुआ कि इस काम करने से मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करूं, और वहां फाइट करता हूं। और भगवान ऊपर से, भगवान ने आप देखिए किसी तरीके से अपॉर्चुनिटी दी है कर्ण को अमर होने के लिए, और मेरे ख्याल से अब कर्ण ने अपॉर्चुनिटी ले ली और वो अमर हो जाएंगे। और इंद्र को बुरा लगेगा कि अरे यार मैं इसीलिए देवी हूं और ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि मेरे में अभी भी कुछ गड़बड़ थी, अगर मैं अच्छा काम करता तो और ऊपर जा सकता था, मगर बदले में चलो मैंने कुछ वेपन तो दिया। तो काफी अच्छी, और देखिए जो दिनकर जी है उन्होंने कितनी अच्छी ये पोएम लिखी है, और मुझे पता नहीं किस ईयर में लिखी है, मगर जो बता रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोली, उनको खुद रोना आ गया था अल्टीमेटली। और अच्छी बात ये थी कि मेरे ख्याल से तो हिंदी को
डेफिनेटली रिवाइव करना चाहिए और इसी तरीके की हिंदी ज्यादा बोलनी चाहिए, क्योंकि अभी हम जो बोल रहे हैं जिस उसे खड़ी बोली बोलते हैं वो बेसिकली हिंदुस्तानी है, वो हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है, उसी को हिंदुस्तानी बोलते हैं। अब हम जो बोलते हैं वो हिंदी उर्दू मिक्सचर है, नहीं ये तो बहुत हिंदुस्तानी है और ये असली हिंदी है। कितनी सुंदर थी एक एक चीज, मतलब एक एक वर्ड आपके दिल को छूता है। हाँ तो वही ना, मतलब हम जो बोलते हैं वो असल में हिंदू नहीं, हिंदी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है और ये असली हिंदी है जिसको प्रमोट करना चाहिए, जिसमें टीचर डेफिनेटली करते हैं। मुझे याद है हमारे टीचर जो थे मिस्टर द्विवेदी बोलते थे मूर्खों समझ लो ये हिंदी। बिल्कुल बड़ी बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे वो कि क्यों इन बच्चों को, आज के जमाने के बच्चों को ये हिंदी पढ़ने और उसको समझने का शौक नहीं है। क्योंकि लड़के तो ही हु करते थे उनकी क्लास में और वो बहुत दुखी होते थे। देखिए अब समझ में आ रहा है, ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये 30 साल पुरानी है, तो 30 साल पहले भी हिंदी का मतलब बुरा हाल हो चुका था कि वहां पे हमारे टीचर को भी चौक मारने पड़ते थे, बार बार बोर्ड में बुलाना पड़ता था और दिखाने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर भी मतलब जो है हमने रेजिस्ट किया, मगर इतना है कि पढ़ाई लिखाई में हम लोग ठीक थे तो इतने बुरे समझ नहीं थे। में आया है अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया होता तो ये समझ नहीं आता। मगर दुख की बात ये थी कि हमारे इंग्लिश में जो मार्क्स हैं हिंदी से ज्यादा आते थे और आजकल जिसे खड़ी बोली बोलते हिंदुस्तानी में हम पढ़ के चले गए, वैसे नहीं होनी चाहिए थी। अगर अब देखिए घर से बाहर जो भी हिंदी यूज हो रही है वही इंसान हिंदी सीखता है। मैं दिल्ली की हिंदी बोलते हैं हम लोग, तो दिल्ली में जो हिंदी बोली उस समय जा रही थी वही हिंदी बोल रहे थे। नहीं पर मगर वो जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो ऐसी, हाँ वो यूपी की है, तो वही अब यूपी की हिंदी अलग है, हमारी दिल्ली की हिंदी है वो तो पूरी दिल्ली वाली हिंदी है और जो हमें स्कूल में सिखा रहे थे वो शुद्ध हिंदी सिखा रहे थे। अग्रवाल जी भी जो वो यूपी से ही थे तो काफी अच्छी वो है और पीएचडी थी उनके पास हिंदी में, वो बड़े मतलब बन ठन के चलते थे अपना करके कि मैं डॉक्टर अग्रवाल हैं हम। तो उस वक्त जो है हमने हिंदी सीखी मगर ज्यादा सीखनी चाहिए थी और मुझे लगता है कि आज भी जो है आई होप कि हिंदी ज़्यादा मतलब बोली जाए। आप देखिए मतलब हमें जो जो चीज़ें कुछ चीज़ें पता है, जैसे हिंदी में ट्रेन को क्या कहते हैं, देखिए रेलगाड़ी, हाँ तो मतलब रेलगाड़ी नहीं, अब रेलगाड़ी गाड़ी तो ठीक है, रेल क्या चीज़ है, ट्रैक, हाँ ट्रैक, जबकि जो मूवी आई थी उसमें था लोपत गामिनी। लोपत गामिनी तो पता नहीं पर मेरे टीचर मुझे मिस्टर द्विवेदी याद आ गया, मेरे ख्याल से उसमें यूज भी हुआ था एक बार। हाँ तो अब ये देखिए वो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते थे, उनकी शक्ल ही देखते तो मतलब कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लोहपथ लोहे का पथ पे गामिनी जो मूव करता है, तो लोहपथ गामिनी सबको पता चलेगा लोहा लोहे का पथ है जिसमें कोई चल रही चीज है वो लोपत गामिनी। मगर आज देखें तो हर बच्चे को पता है ट्रेन, जी ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है। आजकल के बच्चे को बोलेंगे रेलगाड़ी भी नहीं पता, रेलगाड़ी भी शायद रेल, मतलब रेल अगर बोलते हैं तो रेल भी इंग्लिश वर्ड है। ओ, रेल जो है RAIL रेल वो इंग्लिश वर्ड है, तो रेलगाड़ी कर दी आपने मगर रेल का हिंदी नहीं है तो लोपत गामिनी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को पता लगा था मूवी से, मुझे तो मेरे ख्याल से सर ने बताया होगा मेरे को, तो जो बड़ी मूवी थी जिसमें वो ड्राइवर होता है, मेरे ख्याल से धर्मेंद्र था ड्राइवर, और वो ड्राइवर जो इंप्रेस करने के लिए शुद्ध हिंदी बोलता है उसमें वो लोपत गामिनी बोलता है, वहां से पता चला। मगर पॉइंट ये है कि अभी जो हमारी इंडिया में अभी तो मेरे ख्याल से और ही बुरा हाल हो गया होगा लोगों का कि उनको उनकी वोकैबुलरी इतनी बुरी होगी कि उनको इंग्लिश के ही वर्ड आते हैं। हमारे को यहाँ पे एक ऐसी क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब जो बंदा 25 साल से इस कंट्री में है और 24 घंटे वो अंग्रेजी ही बोल रहा है, आप घर से बाहर निकलते हैं आप 24 घंटे अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आपका तो आप फेमिलियर हो जाते हैं अंग्रेजी से, आप सोचने लग जाते हैं अंग्रेजी में, आपके जल्दी जल्दी इंग्लिश, इसीलिए जब हम इंग्लिश में बोलते हैं हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि जो है अब इतने साल रहकर इंग्लिश भी इतनी फ्लुएंट है जितनी मातृभाषा में है। मातृभाषा तो हिंदी है, वो तो कहीं जा नहीं सकती, वो तो इमीडिएटली हम मातृभाषा में बोलते हैं, मगर इंग्लिश भी किसी तरीके की मातृभाषा बन चुकी है क्योंकि आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप यूं तुरंत बोल सकते हैं। तो वो तो हमारे क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा था, मगर जो है इंडिया में भी आज देखिए बच्चे कोई बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं मगर हिंदी में उनको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम आती होगी। तो यही मेरे ख्याल से अच्छी ये पॉइंट था कि आई होप कि हिंदी और संस्कृत को
इंडिया में प्रमोट किया जाए, क्योंकि संस्कृत बहुत ही मैथमेटिकल और लॉजिकल लैंग्वेज है और कंप्यूटर्स के लिए बेस्ट है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। सोचिए कि पहले इंडिया में संस्कृत पॉपुलर की जाए, फिर लोग जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्कृत में कर रहे हो। अब आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, मगर ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप रशिया को देखिए। रशिया में जो इंजीनियरिंग करता है या जो मैथमेटिक्स करता है, पीएचडी करता है, डॉक्टर बनता है, वो सारा रशियन में होता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो रशिया से आए हैं, जो वो मैथ समझ जाते हैं रशियन में कुछ कुछ करते बोल के फिर ट्रांसलेट करके मुझे बताते हैं, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने, तो जो भी पॉइंट है रशिया में वो हर चीज एडवांस स्टडीज रशियन में है। और मेरे को यही लगता है कि इंडिया को भी धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग हो, सब कुछ हो हिंदी मीडियम में, क्यों ना हो। और मैं हिंदी खड़ी बोली की बात नहीं कर रहा, मैं इस हिंदी की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत सुंदर हिंदी है, बहुत ही सुंदर, सुन के इतना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि जब हमें चीजें बहुत पसंद आ जाती हैं तो हम बोलना बंद नहीं कर पाते हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।